वेलकम टू द टुडेज व्लॉग गाइस। हम लोग निकल रहे हैं मसूरी के लिए। मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ और हमारे पैकिंग एक छोटा सा बैग और शुभम अभी भी रेडी हो रहे हैं। तो ऑल दो मैं रोज शॉर्ट्स वीडियो डालती थी, बट आज से मैं व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ प्रॉपर, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। हम लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं और घर से निकल रहे हैं। और रखा हमारा सामान, जैकेट ले ली क्योंकि मसूरी में 10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। घर से निकले, एक मिनट आवाज कम कर दो। घर से निकले हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है और आप देख रहे होंगे कि मैंने कार में हनुमान चालीसा चला रखी है। जब भी मैं कहीं भी अगर हमें 10 मिनट के लिए भी गाड़ी से कहीं जाना हो तो ना, तो मैं सबसे पहले हनुमान चालीसा जरूर प्ले करती हूँ जरूर। गाइस हम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं सिर्फ 1 घंटे में, बहुत जल्दी पहुंच गए देहरादून। यहाँ से मसूरी वाला रूट पकड़ेंगे। तो ये देखिए, ये है मसूरी वाला रूट। गाड़ी हमने डाउन कर ली है और हम हाँ लोग पहुंचने वाले कितनी देर में पहुंच जाएंगे शुभम? मसूरी 1.5 आवर में हम लोग मसूरी पहुंच जाएंगे। कितना पास है कि भैया आप झपकाओ खोलो तो मसूरी बहुत पास है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे हरिद्वार में शादी हुई है। तो गाइस यहाँ पे पर्ची कटेगी हमारी। कितने रुपए की पर्ची कटती है शुभम? देखिए पर्ची मैंने दे रहे हैं और हम को दे रहे हैं 50 रुपीज। ये एक तरह की एंट्री फीस है पहाड़ों में एंटर करने की, है ना? यार थोड़ा सा जाम लग रहा है और बोरी माल रोड ऊपर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मसूरी 2 घंटे में पूरे। फाइनली गाड़ी कर दी हमने स्टॉप और हम उतारते हैं सीट बेल्ट और चलते हैं बाहर। बहुत थक गए हैं क्योंकि होटल नहीं मिल रहा। चल ले, चली है नहीं, चार गजब बेइज्जती है। चली तो वो यार मैं, ठीक है। तो ये है बेल्कनी, बड़ी क्यूट सी, मुझे बेल्कनी काफी अच्छी लगी। और ये है व्यू, माय गॉड, वर्थ है, वर्थ वर्थ वर्थ। बेल्कनी काफी क्यूट लगी मुझे। हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग कहीं पहाड़ पे ले जा रहे हैं। आई डोंट रिमेम्बर द नेम। ये है हमारा होटल, शुभम ने बोला। पहले हम लोग ना निकल गए कि भाई क्या बोलते हैं, तो चलो हम चल रहे हैं फाइनली घूमने, ठीक है, बाहर। उसके शुभम ने बोला, हम लोग कॉरिडोर में पहुंचे थे कि यार जैकेट ले लो ठंड लगेगी। मैंने कहा नहीं यार नहीं लगेगी ठंड बिल्कुल भी, फिर नहीं रोचे पहाड़ पर जा रहे हो तो ठंड लगेगी तुझे। यू वॉन्ट बिलीव, मैं होटल से बाहर निकलूँ और मैंने जैकेट पहन भी ली, मुझे अभी से ठंड लग रही है। मतलब जो भी है, शुभम नोज मी सो वेल सो वेल। गोलगप्पे, गोलगप्पे खाए हैं एकदम तीखे गोलगप्पे, दिल्ली वाला स्वाद आ गया, मजा आया। भैया कितने टाइम से कर रहे हो आप काम यहाँ पे? मेरे को हो गए 6-7 साल। यही पे रोज आते हो? हाँ जी। यही घर है आपका? घर हमारा जम्मू में। जम्मू में? तो फिर यहाँ कैसे रूम रखा? अच्छा, गोलगप्पे घर पे ही बनाते हो? हाँ जी, बहुत टेस्टी गोलगप्पे भैया, एकदम दिल्ली वाला स्वाद, मजा आ गया। मसूरी आओगे तो भैया के गोलगप्पे जरूर खाना। कहीं भाई गोलगप्पे खा लिए, ऑलमोस्ट पेट भर चुका है, बट छोले भटूरे की जगह तो हमेशा रहती है। और वो लोग आ गए हैं उपहार रेस्टोरेंट करके, है कोई उपहार वेजिटेरियन, माल रोड पे ही है ये। और हमने ऑर्डर करे छोले भटूरे, इतने दिन से डाइट चल रही थी पर ठीक है, छोले भटूरे। दो दिन से डाइट चल रही है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। मूड खराब हो चुका है थोड़ा सा, क्योंकि इतना वेट कर रहे थे छोले भटूरे खाने का, बट होटल वाले ने बोला कि छोले भटूरे अवेलेबल नहीं है। भाई हमने तो लस्सी भी ऑर्डर कर दी थी, पूरी तैयारी थी हमारी छोले भटूरे की, बट बैड लक। भैया तो शुभम ने बोला कि क्या बोलते हैं कुछ दूसरा ऑर्डर करते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, खाएंगे तो छोले भटूरे, डाइट पर तीर चला लें तो छोले भटूरे का ही चला लें। तो दूसरे रेस्टोरेंट जा रहे हैं अभी अपने छोले भटूरे खोज लें। फाइनली वेट इज़ ओवर, 2 दिन की डाइट हमारी चीट करते जा रहे हैं हम लोग। छोले भटूरे आ चुके हैं, 10-5 मिनट टू इंटर।
बस अब खाना पीना हो गया, शुभम गया नीचे होटल में। ये देखो ये हमारे होटल में जाने का रास्ता है, नीचे ये होटल है हमारा। और बस हम लोग देखते हैं फिर गाड़ी में डिसाइड करेंगे भाई, माउंट एवरेस्ट आई गेस जॉर्ज एवरेस्ट जाना है या फिर बुद्धा टेम्पल जाना है। तो विल डिसाइड कि जॉर्ज एवरेस्ट या फिर बुद्धा एवरेस्ट, तो स्टे ट्यून्ड। फाइनली डिसाइड हो चुका है कि हम बुद्धा टेम्पल नहीं, हम लोग जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट। अब मिलती हूँ जॉर्ज एवरेस्ट में। बस गाड़ी हमने पार्क कर दी है, अब हम लोग जाएंगे अंदर। इस हालत टाइट हो चुकी है बहुत ज़्यादा, बहुत ऐसा लग रहा है गलती कर दी भाई, नहीं चला जा रहा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा यार। ये आदमी अभी तक भी चार दे तो गाइस बहुत मेहनत करके मैं ऊपर पहुंच चुकी हूँ, भगवान के पास नहीं यहाँ पहाड़ पे। कुछ भी यार, ये आदमी की बातें में जरा भी थकावट नहीं है भाई। किस चीज से बड़े हो यार, पहाड़ के बस तो गाइस फिर आती हूँ मैं, जो पहाड़ों में हमेशा मैगी खाती है। बहुत ठंड हो रही है। और शुभम गया वॉशरूम में, यहाँ पर ये ऐसे मोबाइल टॉयलेट्स बने होते हैं। हमने जब जॉर्ज एवरेस्ट की जब एंट्री करी थी तो आई यूज दैट वॉशरूम, तो वहाँ पर हमें 20 रुपीज़ पे किए थे। बट ये इस साइड है, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी ही है डिस्टेंस पे। आप जहाँ पे ये हेलीकॉप्टर का स्टॉप है एक, आप जो बोल सकते हो, और ये वॉशरूम यू कैन यूज़ यहाँ पर। कोई जॉर्ज एवरेस्ट पे ही है लेकिन हम उसकी दूसरी साइड पे हैं। बहुत ज़्यादा शांति मिलती है यार यहाँ पे आके। थोड़ा रोना धोना किया मैंने, यार मैं नहीं जा रही पर यहाँ पर आना वर्थ था। ये मैं ना यहाँ पर एक मुझे छोटा सा गांव है जो मैं देख रही हूँ, काफ़ी लोग रह रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने अपनी बकरियाँ मेमने जो भी है पाले हुए हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखिए, इनकी प्रॉपर पहाड़ी ड्रेस है। तो गाइस ये पुलिस वाले हैं, घूमते रहते हैं यहाँ पे जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पर कोई भी ड्रिंक नहीं कर रहा, कोई भी स्मोकिंग नहीं कर रहा। ये पूरे एरिया में जॉर्ज एवरेस्ट के पूरे एरिया में घूमते रहते हैं। वी आर फाइनली बैक टू रूम। बहुत थक गई हूँ भाई सही में, सुबह से उठे पड़े और ट्रैवल कर रहे हैं और बस चलना। अब थोड़ी देर सोएंगे देन फिर हम जाएंगे मॉल रोड। फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं मॉल रोड जाने के लिए, और ये मैंने तो अपना हेयर स्टाइल बनाया आड़ा टेढ़ा, रबड़ बैंड नहीं थे बट थोड़ा सा बना लिया। ये है मेरा आउटफिट और ये है शुभम का आउटफिट। हम लोग माल रोड घूम के आ चुके हैं, थोड़ा गला खराब हो गया है ठंड थी यार। लोग बैठे हैं अपनी बैल्कनी में, बहुत अच्छा व्यू एंजॉय कर रहे हैं यार हम लोग यहाँ से। ये देखो खाना हम लोगों ने पैक करा लिया था,
इन्होंने चिकन कराया और मैंने कढ़ाई पनीर, क्योंकि मैं सिर्फ तंदूरी चिकन खाती हूँ, तंदूरी चिकन जहाँ हम शॉप पे गए थे वहाँ पर ख़त्म हो चुका था। तो इन्होंने अपने लिए बटर चिकन लिया, आई डोंट लाइक दैट मच चिकन, सिर्फ मुझे तंदूरी पसंद है। तो मैंने अपने लिए पैक कराई कढ़ाई पनीर और रोटी। और हाँ, मैं बेकरी भी गए थे क्योंकि मुझे मीठा खाने का बहुत बहुत क्रेविंग हो रही थी मुझे मीठे की। तो बस अभी थोड़ी देर बैठेंगे, ये हमने स्पीकर सेट कर लिया अपना, गाने चलाएंगे, इंजॉय करेंगे बढ़िया। अपने भाई वो अपने दोस्तों उसके साथ आया है एंड वो लोग 10 बार आ गए। शुभम को ये बोल रहे भाई गाने बढ़िया चला रहे, गाने बढ़िया चला रहे भाई, मतलब शुभम ने अपने गानों की वजह से सबको दोस्त बना लिया है। काफ़ी काफ़ी कमेंडेबल गाने चला रहे, पुराने गाने चला रहे लेकिन सो सूदिंग, सो सूदिंग। देखो मैं आपको बैल्कनी में ले चलकर रिव्यू दिखाती हूँ। ये बैठे शुभम, और ये व्यू, और ये हमारा स्पीकर रखे। गाइस अब हम लोग बैठे हैं यहाँ पे बैल्कनी में, मॉर्निंग व्यू ले रहे हैं विद सन, लग रहा है बहुत। फाइनली चेकआउट का टाइम आ चुका है और हमने अपना खाना पैक कर लिया है जो हमने रात को नहीं खाया। शुभम ने अपनी फेवरेट चीज अपना स्पीकर उठा लिया है, बैग हो चुका है ऑलमोस्ट पैक, अब हम करेंगे चेकआउट, बाय बाय। और हम लोग निकल रहे हैं बुद्ध टेम्पल के लिए फाइनली, बाय बाय। तो गाइस फाइनली बुद्धिस्ट टेम्पल हम लोग पहुंच चुके हैं, एंट्री गेट पर है बस। यार रास्ता बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर रास्ता था। गाड़ी पार्क कर दी है और हम लोग निकलते हैं ऊपर ट्रैक के लिए, ट्रैक है ऊपर थोड़ा सा। अब हम लोग बैठे हैं कैफे में, और सेवन हेवन आई गेस नाम है इस कैफे का, बहुत बहुत अच्छी इसका इंटीरियर है कैफे का। और मैं अपनी एंजॉय कर रही हूँ कोल्ड कॉफी, और इतना अच्छा व्यू। खाना तो खा लिया, पेट भर गया, हजम करने के लिए हम ऊपर जा रहे हैं मंदिर। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बस ये वाला ट्रैक है थोड़ा सा, 2 मिनट का बस। और बहुत तो थक चुकी हूँ यार, बहुत ज़्यादा। काफ़ी अच्छे कैफेज हैं, वो देखिए कैफे आपको बिल्कुल वहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ से आप इधर करिए कैमरा ज़रा, यहाँ से आप वॉक करके भी, थोड़ा सा ट्रैक वॉक जो भी आप कह लीजिए, यहाँ करके आप वहाँ कैफे पे जा सकते हो। बहुत सुंदर व्यू यहाँ देखिए, ये राइट में मेरे सॉरी, और ये लेफ्ट में देखो कितना अच्छा व्यू है, बहुत सुंदर है भाई मसूरी, बहुत सुंदर है। तो देखो ये हेलीकॉप्टर जा रहे हो राइट साइड में, सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है यहाँ पे, ये देखिए स्टूल्स रखे और साइड में कितना प्यारा व्यू है, तो डू विजिट। फाइनली हमारी ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है, ये वीकेंड ट्रिप, और अब जाकर करना है मुझे ऑफिस संडे को। एक्चुअली मेरा ऑफिस है आज 4 बजे का ऑफिस है, तो भाई 4 बजे की शिफ्ट के पहुँच के दिन में हम घूम ले और आए हम लोग ऑफिस। आई होप आपको ये वीडियो और ये मेरा ट्रिप बहुत पसंद आया। हम लोग घर पहुँच चुके हैं बैक टू द नॉर्मल लाइफ, क्योंकि भाई ऑफिस शुरू हो चुका है। घर जाके फटाफट से मैंने नहाया, तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। वहाँ ऊपर तो मौसम अच्छा था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी हो रही है भाई, जून जुलाई वाली गर्मी हो रही है।
बस ये ऑफिस चल रहा है और हम लोग करते हैं इस व्लॉग को एंड। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, आई होप आपको पसंद आया होगा एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू शेयर। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, टाटा।